उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहन, इसी सभागृह में परम श्रद्धेय गुरु जी का आशीर्वाद एक बार लेने का मौका भी मुझे मिला है। उनकी विशेषता यह है कि प्रशासकीय अनुभव उनको काफी बड़ा था, पर प्रशासकीय अनुभव और कार्य करने के बाद विशेष रूप से हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के आधार पर जो हमारा आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन है, उसके आधार पर उन्होंने अपने चिंतन के आधार पर काफ़ी बड़ा नए विचारों की प्रेरणा हम सबको दी है। विशेष रूप से जो मूल रचनाकार जो उनकी थी, अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि तत्व, ये जो विशेष रूप से दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक इन बातों से संबंधित उनका चिंतन इसमें आया है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चिंतन को वैज्ञानिक आधार पर उसका मूल्यांकन होना ये समय की आवश्यकता है, क्योंकि नई जनरेशन जो होती है वो स्वाभाविक रूप से जब जब आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन की बात आती है तो अक्सर ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि इसका वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कैसे संबंध है, और इसकी अनुभूति भी होती है। हमारी भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में शिकागो की धर्म परिषद में उनका भाषण हुआ था, तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना धर्म श्रेष्ठ है या जिस भगवान पर मेरा विश्वास है वो भगवान श्रेष्ठ है, ये कहने के लिए आपके पास नहीं आया हूँ। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि जिस धर्म पर आपका विश्वास है, जिस भगवान पर आपको विश्वास है, उसी से ही अंततो गत्वा हम सब एक ही जगह पहुँचने वाले हैं। मैं अक्सर याद करता हूँ कि संस्कृत का एक जो सुभाषित है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उस संस्कृत सुभाषित में कहा गया था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। उसमें एक मराठी कवि ने उसका सुंदर अनुवाद किया है, और अनुवाद ये था कि पड़े खाल तीजे नभातु न पाणी जसे सागरा तेच मिलो निजाई नमस्कार कोण्या ही देवास केला परिशेवटी तो पोचतो केशवाला। ये जो आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांत है जिसका संबंध हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत के साथ है, उसकी आज पूरी दुनिया में एक प्रकार से इतनी बड़ी डिमांड है कि हम समझ नहीं पाते। हमारे देश में हम इनको नहीं समझ पाते। मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण करने का मौका मिला था, और ये मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव था कि उसके बाद में जब मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पीने के लिए गया ब्रिटिश, और फिर फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, और प्रश्न यही पूछा था कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने सहज रूप से कहा कि गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मेरी जवाब के बाद मैंने उनको उल्टा सवाल पूछा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी यंग बेटे और बेटियां, हमारी प्रॉब्लम यह है कि वो शादी नहीं करती, लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, और जिसके कारण हमारी परिवार व्यवस्था पूरी तरह उध्वस्त होने के कगार पर खड़ी है। बाद में उन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा कि क्या हिंदुस्तान में गरीबी होने के बाद यह समस्या नहीं है, तो मैंने उसका जवाब दिया कि यह नहीं के बराबर है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यह कैसे संभव है, तब मैंने उनको यह कहा कि हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत और जो आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर जो बचपन से हमारे मन के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर जो संस्कार होते हैं वो मूल्याधिष्ठित है, वैल्यू बेस है, और वो जो हमारी परिवार पद्धति है, जीवन पद्धति है, उससे ये जो संस्कार हमें मिलते हैं उससे हम गरीब जरूर है, पर सांस्कृतिक दृष्टि से
मूल्याधिष्ठित दृष्टि से हम काफी रिच है, संपन्न है। और ये जो संपन्नता आई है ये हमारी स्पिरिचुअल थिंकिंग, दार्शनिक सिद्धांत और हमारा आध्यात्मिक जीवन दर्शन से आई है, भगवद गीता से, रामायण से, और विशेष रूप से हमारे अनेक राज्यों में साधु संतों ने अपने अपने रूप में इन विचारों को सामान्य लोगों तक पहुंचाया है। केवल विचार नहीं पहुंचा है, तो विचारों को सुनने के बाद उसका जो संस्कार व्यक्ति के ऊपर, व्यक्तित्व पर परिणाम करता है, उससे व्यक्ति का जीवन बदलता है। और बदले हुए समृद्ध जीवन से ही हमारी सामाजिक व्यवस्था बहुत प्रगल्भ और संपन्न हुई है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक फिलोसोफर ने कहा था कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन यानी व्यक्ति श्रेष्ठ है, पर्सन एंड पार्टी यानी व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन यानी पार्टी श्रेष्ठ है, एंड पार्टी एंड फिलोसॉफी यानी संगठन और विचारधारा, इसमें विचारधारा महत्वपूर्ण है। अब विचारधारा जो होती है वो स्वाभाविक रूप से समझने के लिए हमें हमारी क्षमता भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि दार्शनिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत, जिसका परम आदरणीय गुरुजी ने सूक्ष्म चिंतन के रूप में, सूक्ष्म तत्व के रूप में जो नॉलेज दिया हुआ है, उसका मैं कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ। जब मुझे डेमले जी ने कहा तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैंने कैसे, पिछले बार भी ये संकोच था कि कोई कार्यक्रम में जाने के पहले उस विषय पर मेरा भी अधिकार होना चाहिए, पर मैं इतना ही जानता हूँ कि मानव जाति के कल्याण का ये सूक्ष्म वैचारिक चिंतन है, और इससे हमारे जीवन में समृद्ध और संपन्न होने का मौका मिलने वाला है। अब जो जीवन होता है वो भौतिकवाद और भोग विलास में डूबा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं स्वार्थ, ईर्ष्या, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा जीवन में होती है, और ये मानवीय स्वभाव भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर जब दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांत और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के संस्कार व्यक्ति पर होते हैं तो हमारे जीवन में भी आमूलाग्र बदल हो जाता है, और इसके लिए काफ़ी चिंतन की भी जरूरत होती है, और गुरु के रूप में उसका अध्ययन करके उस जो सिद्धांतों को है उसको हमारी भाषा में यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा जो IQ है, जो गुरु जी ने लिखा है, वो समझने के लिए हम कितने भी अपने को विद्वान समझते होंगे, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानोपासना, ज्ञान की उपासना करनी होगी, क्योंकि वो समझना बहुत कठिन है। पर जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और गुरु ही हमें जब उसका मार्गदर्शन करता है तो धीरे धीरे बात समझ में आती है। ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के बारे में एक फिलोसोफर ने कहा है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, तो ये समझने के लिए ईयर्स टू ईयर भक्ति, आराधना, और इसके आधार पर फिर उसका एक प्रकाश हमारे मन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी आत्मा मन, उसके साथ एक जीवन दर्शन का जो संस्कार मिलता है उसकी अनुभूति से हमारे जीवन को हम बदलते हैं। और इसलिए आज तो हमारा जीवन बहुत ही आत्म केंद्रित है, हमें लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत धनवान हैं, और हमें ये भी लगता है कि हम इन सब बातों से हमारे जीवन में सब प्रकार के सुखों को हासिल कर सकेंगे। एक बहुत विनोदी उदाहरण था कि एक व्यक्ति एक झूले पर झूल रहा था, तो उसके मित्र ने कहा, अरे ऐसे क्यों बैठे हो, जाओ कुछ काम करो। तो बोले, क्या काम करूँ? कोई बिजनेस करो, कोई धंधा करो। तो बोले, उससे क्या होगा? बोले, बहुत पैसा मिलेगा। पैसा मिलने के बाद क्या होगा? बोले, एक अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। फिर उसके कब बाद क्या होगा? बोले, बहुत आनंद होगा। बोले, उसके बाद क्या होगा? फिर झूलते रहो आनंद से। बोले, वही तो कर रहा हूँ। इसका अर्थ एक है कि बंगले से और मर्सिडीज गाड़ी से सुखों को हासिल हम नहीं कर सकते। अगर हमें कोई शारीरिक बाधा निर्माण होती है तो हमारा पैसा काम में नहीं आता, हमारी सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, नॉलेज काम नहीं आता। पर नॉलेज की भी आवश्यकता होती है,
और इसलिए अक्सर मैं दो बातों को आग्रह से याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इवन स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक जीवन दर्शन, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और परिवार पद्धति से जो हम संस्कार लेते हैं, अल्टीमेटली इट कम्स अंडर द वन हेड, दैट इज नॉलेज। एंड नॉलेज इज द पावर। केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी होती है वही केवल नॉलेज नहीं होता, नॉलेज इज अ पावर एंड कन्वर्शन ऑफ पावर इनटू वेल्थ, ऐसा मैं कहता हूँ। पर वेल्थ इज नॉट द अल्टीमेट, हमें हम उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी है। वी कैनॉट कैच योर ओन इमेज, हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, हम अपूर्णांक है और इसलिए पूर्णांक की ओर चल रहे हैं। तो ये जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है, दार्शनिक सिद्धांत है, जो मूल्याधिष्ठित हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिला हुआ ज्ञान है, वो हमारे प्रापंचिक और व्यावहारिक सार्वजनिक जीवन को समृद्ध करता है। मैं अपनी बहन के पास बड़े जाता था, मेरे जिया जी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो मेरी बहन उस समय कहती थी कि सब लड़कों को कि वो अमेरिका में जाए और पढ़े और बड़ी नौकरी करे, और वो होशियार थे सब। धीरे धीरे सब लोग अमेरिका में गए, वहाँ बड़ी बड़ी नौकरियाँ उनको मिल गई। फिर जब बहन के पास जाता था तो वो बोलती थी मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ, अब मेरे पास साथ कोई नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मैं तुमको बोल रहा था कि ये सबके पीछे मत लगो कि अमेरिका में जाओ, तुम तब इतना, जैसे कि हर अमेरिका में जाना ही चाहिए, वहीं नौकरी करनी चाहिए, आईटी इंजीनियर बनो, ये बनो, सब अमेरिका में गए, अब तुम अकेली पड़ी हो। तो अभी घर की व्याख्या, मुझे एक मराठी कवि की कविता मैंने सुनी, अब शायद आप गुरुजी मराठी नहीं समझ पाते होंगे, पर मैं बाद में आप ट्रांसलेट करके जरूर बताना। उन्होंने एक सुंदर कविता की है, उसमें श्रीधर फड़के ने गीत भी गाया। घर असावे घरा सारखे नको तो नुस्त्या भिंती, घर असावे घरा सारखे नको तो नुस्त्या भिंती, तिथे असावा प्रेम जिवाळा नको तो नुस्ती नाती। त्या शब्दांना अर्थ असावा नको तो नुस्ती वाणी, अश्रुतूनही प्रीत झिरपावे नको तो नुस्ते पाणी। बहुत सुंदर कविता, यूट्यूब पर मिलेगी आपको, मिसेस लेमय करके पुणे की लेखिका है, और बुरी कविता है। और वो घर कैसा होना चाहिए कि केवल दीवारें होना, मार्बल, ग्रेनाइट, एयर कंडीशनिंग, फर्नीचर, घर नहीं होता। और ये घर होगा, रात को सब माँ, बेटे, पिता, पुत्र सब रात को ड्रिंक्स लेंगे और धिंगाड़ा करेंगे, तो फर्नीचर का क्या उपयोग और वो घर का क्या उपयोग। तो घर में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। घर में क्या होना चाहिए, जिवाड़ा होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन द टू फैमिली पर्सन अच्छी होनी चाहिए, प्रेम, जिवाड़ा, सौहार्द। तो ये घर को मतलब है। और जब कोई संवेदनशीलता होनी चाहिए कि किसी को दुख हुआ तो उसके आंखों से पानी आना चाहिए। त्या शब्दांना अर्थ असावा नको तो नुस्ती वाणी, अगर बोलते समय बहुत बड़ा बड़ा बोल रहे हैं पर वो शब्दों का अर्थ नहीं होगा तो उपयोग नहीं होगा। और अश्रु तुने ही प्रीत झिर पावी, जब हमारे परिवार में किसी को दुख और दर्द होता है तो हमारे कार्यकर्ताओं को दुख और दर्द होता है, उसकी जब तबीयत बिगड़ जाती है तो हमें लगता है कि अपने परिवार का व्यक्ति अड़चन में है, उसको जल्दी आराम मिलना चाहिए। ये संवेदनशीलता होनी चाहिए, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल सेंसिटिवनेस इज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। और ये देर इज नो कॉलेज, नो इंस्टीट्यूशन वेयर यू कैन एजुकेट दिस, दिस इज ओनली कमिंग फ्रॉम संस्कार, एंड संस्कार इज कमिंग फ्रॉम दार्शनिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत, स्पिरिचुअल साइंस। और ये हमारी इतिहास, विरासत, संस्कृति की देन है कि उसके कारण हम समाधानी हैं, हम अच्छे हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम संवेदनशील है। और यही बातों का संस्कार हमारे मूल तत्व में है, जिसका मैं बहुत ज़्यादा अभ्यासक नहीं हूँ, पर विशेष रूप से जो मूल तत्व अव्यक्त से व्यक्त इस हेडिंग में आया है,
अभी मैं इतना ही समझता हूँ कि गुरु जी के मार्गदर्शन से और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये जो मूल तत्व का जो सिद्धांत है जो हमारे जीवन को सही अर्थ में सुखमय कर सकता है, और हम कभी भी यही कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, हम ये कुछ लोग कहते हैं, पहले बोलते हैं विश्व का कल्याण हो पर शुरुआत मेरे से हो, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, और सबका कल्याण होने के बाद फिर आखिरी में मेरा हो। तो मुझे लगता है ये भारतीय फिलॉसफी की देन है, और डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने मूल तत्व की मूल रचना से इस किताब में इसका वर्णन किया, और आज मोटवानी जी ने इसका हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया है, तो मैं विशेष रूप से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और एक बात मैं गुरु जी को कहूँगा कि गुरु जी, हम इन सब सिद्धांतों को समझाने में बहुत हमारे देश के विद्वानों ने इसके लिए बहुत काम किया है। मैंने देखा, मैं बर्लिन में था श्री श्री रविशंकर जी के कार्यक्रम में, तो उन्होंने मुझे, बहुत लोग थे, तो मैंने देखा लाखों यूरोपियन लोग, अर्जेंटीना के, जर्मनी के, यूरोपियन कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हरे राम हरे कृष्ण का जय जयकार कर रहे थे, हमारी भजन गा रहे थे स्टेडियम पर, और एक प्रकार से हमारे स्पिरिचुअल साइंस के बारे में वो लगातार अध्ययन करते थे। मूल तत्व का सिद्धांत, आध्यात्मिक दार्शनिक जो ज्ञान था उसका अध्ययन करते थे। कभी कभी मन में ऐसा जरूर लगता है कि हमारा जो विचारधन है, हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसका रिकग्निशन और रिस्पेक्ट हिंदुस्तान के बाहर जितना ज़्यादा होता है उतना हमारे देश में नहीं होता, इस बात का दुख और दर्द होता है। और इसका कारण जो है कि गैप बहुत बड़ी है, आप जो अच्छी बात कहते हो समझने के लिए हमारी जो औकात IQ वो और थोड़ा विकसित करने की आवश्यकता है, उसकी कमी हमारे बीच में जो हम समझने में कम पड़ते हैं। आप लोग ये कोशिश कर रहे हो समझने की, ये बहुत अच्छी बात है, और इसको समझने की कोशिश करने के बाद में उस विचार के कारण और संस्कार के कारण आप जैसे और मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों के जीवन में भी जरूर परिवर्तन होगा, यही मेरा विश्वास है।